नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। नदियों के बढ़ते जलस्तर पर मुख्यमंत्री ने अफसरों को किया अलर्ट। आईएएस के पाठक को पटना हाई कोर्ट ने दी राहत। पुलिस के सोशल मीडिया व व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे सिपाही। तिलक वर्मा वर्ल्ड कप टीम में हो सकते हैं शामिल, समर्थन में कई दिग्गज। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। अगर आप भी उन अभ्यर्थियों में से हैं जो बीपीएससी की ओर से ली जाने वाली बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि इस परीक्षा को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आज यानी कि 10 अगस्त को एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। ऐसे में अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.nic.in पर जाकर 20 अगस्त तक डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करना होगा। मालूम हो कि डाउनलोड किए गए ई प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी को आवंटित परीक्षा केंद्र कोड के रूप में दर्ज होगा, जिसमें केंद्र कोड और जिला का नाम दर्ज होगा। परीक्षा केंद्र कोड के संबंध में विस्तृत जानकारी 21 अगस्त को अभ्यर्थियों को उपलब्ध करवाई जाएगी। पुलिस के सोशल मीडिया व व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे सिपाही। पुलिस के बड़े अधिकारियों के द्वारा दिए गए निर्देश छोटे अधिकारियों को भी मालूम हो सके, इसके लिए एक नई कवायद की शुरुआत की गई है, जिसके तहत अब राज्य के सभी जिलों में जिला स्तर पर पदाधिकारियों के साथ ही सिपाहियों के लिए भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे। बता दें कि इस संबंध में पुलिस मुख्यालय से सोशल मीडिया सेंटर के SP के द्वारा सभी रेंज के IG और DIG को पत्र लिख दिया गया है। इन सब के अलावा पुलिस मुख्यालय की ओर से व्हाट्सएप के साथ अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी पदाधिकारियों के साथ जवानों को जोड़ने को कहा गया है। मालूम हो कि यह व्हाट्सएप ग्रुप खुद SP के द्वारा बनाया जाएगा, जिसमें जमादार से लेकर सिपाही तक को शामिल किया जाएगा, ताकि बड़े अधिकारियों और छोटे अधिकारियों के बीच कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो सके। नदियों के बढ़ते जलस्तर पर मुख्यमंत्री ने अफसरों को किया अलर्ट। बिहार में 8 नदियां ऐसी हैं जो खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। ऐसे में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसी को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार की राजधानी पटना के आसपास गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया गया। इस दौरान CM नीतीश के द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे पूरी तरह से अलर्ट मोड में रहें और गंगा नदी के किनारे वाले क्षेत्रों में बढ़ते जलस्तर को ध्यान में रखते हुए सारी तैयारी पूरी रखें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, जल संसाधन तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा, DM चंद्रशेखर सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। छात्रों के कम एडमिशन और अटेंडेंस वाले महाविद्यालयों का होगा विलय। इन दिनों शिक्षा के क्षेत्र में कई व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा एक नया आदेश दिया गया है, जिसके तहत जिन महाविद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति है उन विद्यालयों का विलय कर दिया जाएगा। दरअसल यह आदेश शिक्षा विभाग के द्वारा मुंगेर विश्वविद्यालय की बैठक में दी गई। दरअसल बैठक में यह जानकारी निकल कर सामने आई कि कई विद्यालय ऐसे हैं जहां बच्चों की उपस्थिति काफी कम रहती है। इसी को देखते हुए विभाग के द्वारा विश्वविद्यालयों के विलय का आदेश दिया गया है। बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से ऐसे कॉलेजों का प्रस्ताव मांगा गया है। वहीं विभाग का कहना है कि प्राचार्यों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जिन विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी है वहां आवश्यकता अनुसार अतिथि शिक्षकों की सेवा के लिए जाने का आदेश दिया गया है। बिहार विश्वविद्यालय के वोकेशनल कोर्स में नामांकन के लिए मिली स्वीकृति। बिहार विश्वविद्यालय के वोकेशनल कोर्स के सत्र 2023-24 में नामांकन के लिए उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी की ओर से स्वीकृति दे दी गई है। बता दें कि इस संबंध में BRA बिहार यूनिवर्सिटी के कुल सचिव प्रोफेसर संजय कुमार को आधिकारिक पत्र भेज दिया गया है। लेकिन मालूम हो कि BRA बिहार विश्वविद्यालय में सिर्फ उन्हीं वोकेशनल कोर्स में नामांकन की स्वीकृति दी जाएगी जिसके लिए राज्यपाल सचिवालय की ओर से रेगुलेशन अधिसूचित किया गया है। बता दें कि विश्वविद्यालय को जारी निर्देश में बताया गया है कि अगले सत्र में विश्वविद्यालय द्वारा वोकेशनल कोर्स की प्रक्रिया शुरू कराने से पूर्व सीटों का स्थायी रूप से निर्धारण करना होगा। सत्र 2024-25 में सीट निर्धारण के लिए अपनी अनुशंसा भेजनी होगी। उसके बाद कॉलेजों के सीटों का स्थायी रूप से निर्धारण किया जा सकेगा। जेल से छूटने वाले अपराधियों की सूची बनाएगी रेल पुलिस। रेल पुलिस के द्वारा अब उन अपराधियों की सूची बनाई जाएगी जिन्होंने रेल थाना इलाकों में अपराध किया है और जेल से छूटे हैं। बता दें कि अब इन अपराधियों पर रेल पुलिस के द्वारा भी नजर रखी जाएगी और साथ ही समय समय पर उनके घरों पर भी दस्तक दिया जाएगा। मालूम हो कि इस संबंध में रेल SP अमृतेंदु शेखर ठाकुर के द्वारा सब DSP व थानेदारों को निर्देश दे दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पेशेवर अपराधियों पर हमेशा दबाव बनाकर रखने से उन्हें पुलिस की मौजूदगी का एहसास होता है, क्योंकि कई बार जेल से छूटने के बाद ही पेशेवर गिरोह अपराधी घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। ऐसे में अगर पुलिस उनकी खबर लेती रहेगी तो वे इस तरह की आपराधिक घटनाओं को अंजाम
अंजाम नहीं देंगे। आईएएस के पाठक को पटना हाई कोर्ट ने दी राहत। पटना हाई कोर्ट के जस्टिस पीवी बजंत्री की खंडपीठ के द्वारा बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के खिलाफ विजेंद्र कुमार सिंह द्वारा दायर की गई अवमानना याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट के द्वारा के पाठक को राहत देते हुए उन्हें इस मामले को लेकर आरोप तय करने हेतु व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने से मुक्त कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह मामला राज्य में 32,540 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ा है। बता दें कि इस दौरान अधिवक्ता दीक्षित ने बताया कि इस महीने की 6 तारीख को जैसे ही आयोग की तरफ से योग्य अभ्यर्थियों के चयन हेतु अनुशंसा मिली, उसी समय स्वयं अपर मुख्य सचिव ने पूरा शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए उसी समय नियुक्ति पत्र समूह का जारी कर दिया। इस मामले पर अगली सुनवाई 23 अगस्त 2023 को की जाएगी। डेंगू से बचाव के हैं ये उपाय। मॉनसून का सीजन चल रहा है, ऐसे में राजधानी पटना समेत राज्य के अन्य जिलों में मच्छर जनित बीमारियों का खतरा बढ़ने लगा है, खासकर डेंगू का। बता दें कि महामारी के रूप में देखा जाता है डेंगू को। इसके सामान्य लक्षण है सिर, जोड़ों, मांसपेशियों व शरीर में दर्द होना, बुखार, चिड़चिड़ा पनाना। मालूम हो कि डेंगू की स्थिति में मृत्यु दर लगभग 1% है। इस बीमारी को लेकर चिकित्सकों का कहना है कि डेंगू से जागरूकता ही बचाव है, क्योंकि इस बीमारी की कोई वैक्सीन या विशेष दवा नहीं है। बता दें कि डेंगू में मरीजों को पर्याप्त आराम की जरूरत होती है। इसके अलावा तरल पदार्थ ज्यादा मात्रा में लेने चाहिए। डेंगू से बचाव के लिए साफ सफाई और खाने पीने पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। बता दें कि अगर आपको बुखार है और एक दिन से ज्यादा रह जाता है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। डेंगू के मच्छर सुबह में काटते हैं, इसलिए इसे सावधान रहें। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फिर से आएंगे बिहार। एक बार फिर से बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने हनुमंत कथा को लेकर बिहार आने वाले हैं। बता दें कि इस बार उनकी हनुमंत कथा आड़ा में आयोजित की जाएगी। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार बागेश्वर बिहार फाउंडेशन के द्वारा बिहार आने को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की गई और फिर से बिहार आने का आश्वासन दिया गया है और जल्द से जल्द कार्यक्रम की तारीख बताने की बात कही गई है। मालूम हो कि पिछली बार बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हनुमंत कथा का आयोजन बिहार की राजधानी पटना के नौबतपुर में 13 से 17 मई तक आयोजित की गई थी, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। दवा और डाक पार्सल की आड़ में लाई जा रही विदेशी शराब की खेप बरामद। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। एक तरफ जहां शराब तस्कर के द्वारा शराब तस्करी के नए नए तरीकों का निजात किया जाता, तो वहीं दूसरी ओर उत्पाद विभाग की ओर से भी इन शराब तस्करों को पकड़ने की जी तोड़ कोशिश की जाती। ताजा मामला बिहार की राजधानी पटना का है, जहां पहला मामला रामकृष्ण नगर थाना इलाके का है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी से एक ट्रक में दवा के नीचे छिपाकर 80 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। तो वही दूसरा मामला बैरिया बस स्टैंड का है, जहां से डाक पार्सल में लिखे गाड़ी में 20 कार्टन अंग्रेजी शराब को जब्त किया गया है। बता दें कि इन दोनों मामलों में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मानहानि मामले में तेजस्वी यादव के खिलाफ फैसला सुरक्षित, इस दिन आएगा फैसला। मानहानि के मामले में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर अहमदाबाद के जिला अदालत के द्वारा समन जारी करने को लेकर इस महीने के आखिरी सप्ताह तक के लिए अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया गया है। बता दें कि अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परमार के अदालत के द्वारा 28 अगस्त को इस पर आदेश पारित करने का काम करेगी कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता व बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ आपराधिक मानहानि के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत दर्ज मामले में उन्हें समन जारी किया जाए या नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अदालत की ओर से सीआरपीसी की धारा 202 के तहत तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ जांच की प्रक्रिया पूरी करने के बाद अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया गया है। सीएम नीतीश कुमार के समर्थन में उतरी मायावती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट जातीय गन्ना कराने को पटना हाई कोर्ट से अनुमति मिल गई है और अब तक इससे जुड़े 90% कार्य पूरे भी हो चुके हैं। ऐसे में अब जातीय गन्ना को लेकर नीतीश कुमार के पक्ष में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती उतर आई है। दरअसल मायावती के द्वारा भी अब देश में जातीय गन्ना कराने की मांग की गई है। बता दें कि मायावती के द्वारा ट्वीट कर लिखा गया है कि ओबीसी समाज की आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक स्थिति का सही आकलन कर उसके हिसाब से विकास योजना बनाने के लिए बिहार सरकार द्वारा कराई जा रही जातीय जनगणना को पटना हाई कोर्ट द्वारा पूर्णतः वैध ठहराए जाने के बाद अब उनकी निगाहें यूपी पर टिकी है कि यहाँ यह जरूरी प्रक्रिया कब। देश के कई राज्य में जातीय जनगणना के बाद यूपी में भी इसे कराने की मांग लगातार जोर पकड़ रही, किंतु वर्तमान बीजेपी सरकार भी इसके लिए तैयार नहीं लगती है। यह अति चिंतनीय, जबकि बीएसपी की मांग केवल यूपी में नहीं बल्कि केंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर भी जातीय जनगणना करानी चाहिए। देश में जातीय जनगणना का मुद्दा मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने की तरह राजनीति का नहीं बल्कि सामाजिक न्याय से जुड़ा महत्वपूर्ण मामला है। उन्होंने कहा कि समाज के गरीब, कमजोर, उपेक्षित व शोषित लोगों को देश के विकास में उचित
भागीदार बनाकर उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए ऐसी करना जरूरी है। बिहार कांग्रेस ने राहुल गांधी को बताया पीएम मटेरियल। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में विपक्षी पार्टियों की ओर से अपने नए गठबंधन का नामकरण तो कर लिया गया, लेकिन अब भी पीएम उम्मीदवार के चेहरे का कोई नाम घोषित नहीं किया गया है। लेकिन अब जब राहुल गांधी को उनकी संसद की सदस्यता बहाल हो गई है तो बिहार कांग्रेस की ओर से उन्हें पीएम मटेरियल बताया जा रहा। दरअसल कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान के द्वारा कहा गया कि पूरी कांग्रेस पार्टी की यही इच्छा है कि राहुल गांधी शीर्ष नेतृत्व पर हों। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा के द्वारा कहा गया कि जो आदमी देश से इतना जुड़ा हो, छोटी छोटी बातों पर इतना संवेदनशील हो जाता हो, तो वह पीएम मटेरियल नहीं होगा तो फिर कौन होगा। तिलक वर्मा वर्ल्ड कप टीम में हो सकते हैं शामिल, समर्थन में कई दिग्गज। इस समय सभी की नजर आगामी एशिया कप और वनडे वर्ल्ड कप 2023 पर टिकी हुई है। सभी यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन मैचों के लिए भारतीय टीम में कौन कौन खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं। इसी बीच तिलक वर्मा के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें भी वर्ल्ड कप की टीम में शामिल करने की चर्चा की जा रही है। इस संबंध में तिलक वर्मा को कई दिग्गज के द्वारा समर्थन भी दिया जा रहा। पहले भारतीय खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन और उनके बाद पूर्व मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद ने भी तिलक की तारीफ करते हुए उन्हें वर्ल्ड कप के लिए एक्स फैक्टर वाला खिलाड़ी बताया है। चयनकर्ता एमएसके प्रसाद ने तिलक वर्मा को लेकर कहा कि लिस्ट ए में आप तिलक के रिकॉर्ड को देखिए, जहां 25 मैचों में उन्होंने 55 के अधिक से औसत से रन बनाए हैं। ऐसे में यदि श्रेयस अय्यर अगर पूरी तरह से फिट घोषित नहीं होते हैं तो तिलक कोई बुरे विकल्प नहीं है। भारत के पास इस समय मिडिल ऑर्डर में नंबर 1 से लेकर 6 तक कोई बाएं हाथ के खिलाड़ी का विकल्प मौजूद नहीं है। ईशान किशन टीम में है लेकिन उन्हें बैकअप ओपनर के विकल्प के तौर पर शामिल किया गया है। ऐसे में तिलक टीम के लिए मिडिल ऑर्डर में बाएं हाथ के खिलाड़ी के तौर पर अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी गुरुवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 94.04 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 108.02 रुपए और डीजल 94.74 रुपए प्रति लीटर है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.78 रुपए और डीजल की कीमत 95.45 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.02 रुपए और डीजल कीमत 95.75 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल कीमत 108.26 रुपए और डीजल कीमत 94.98 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.73 रुपए प्रति लीटर और डीजल 94.45 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कमलेश शर्मा, भरोश यादव, रंजीत मिश्रा, मोहम्मद सकीर हुसैन, जमशेद आलम, के सिन्हा, नितेश यादव, राजकिशोर महतो, अमन कुमार, खुशी पांडे, भान प्रकाश मौर्य, भरत कुमार, मुटु रंगीला, पीके पासवान, राकेश कुमार, हलीश्वर कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया में पीएम उम्मीदवार कौन होना चाहिए। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।